बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म भारत को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। फिल्म भारत के पोस्टर ट्रेलर से लेकर फिल्म के गाने भी सामने आ चुके हैं, जिन्हें दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में सलमान के अलावा कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। वहीं ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म में मैडम जी यानी कैटरीना की जगह पहले देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन एंड मौके पर प्रियंका ने फिल्म से अपने हाथ खींच लिए थे। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने 2 दिन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी पीसी फिल्म से अलग हो गई, जिसके बाद आखिरकार 26 जुलाई 2018 को फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने ट्वीट करके बताया था कि प्रियंका चोपड़ा फिल्म का हिस्सा नहीं है। भले ही इस बात को 1 साल होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि सल्लू मियां अभी तक इस बात को भूले नहीं है। वहीं इन दिनों फिल्म भारत की लीड स्टार कास्ट सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। हाल ही में दोनों ने फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ ट्विटर पर लाइव इंटरव्यू किया और फैंस के सवालों के जवाब भी दिए। इसी दौरान एक यूजर ने कैटरीना से पूछा कि उन्हें इस रोल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। इस सवाल पर कैट बताती हैं कि उन्हें 2 महीने तक इसके लिए तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि उम्र के कई पड़ाव को फिल्म में दिखाना था। कैटरीना कैफ जवाब दे ही रही होती हैं कि उन्हें बीच में काटते हुए सलमान खान कहते हैं, प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया हमको। मैं ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ कि कैटरीना ने बहुत हार्ड वर्क किया है, अगर प्रियंका हमको थोड़ा और समय दे देती तो। अब सलमान की इस बात को सुनकर साफ पता चल रहा है कि वो प्रियंका चोपड़ा पर ही तंज कस रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने फिल्म भारत छोड़ने की वजह बताते हुए कहा था कि वो जल्द शादी करने वाली है, जिस वजह से वो फिल्म पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि पीसी ने भारत छोड़ने के बाद फरहान अख्तर के साथ फिल्म द स्काई इज पिंक साइन कर ली। वहीं भारत की बात करें तो सलमान खान की ये फिल्म साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर पर आधारित है। फिल्म में सलमान, कैटरीना, दिशा के अलावा सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ सहित कई और स्टार्स नजर आएंगे। वहीं फिल्म ईद के मौके पर 5 जून को रिलीज होगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।